बरेली 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 हेलो दीदी, प्रणाम। हाँ मिन्नी, कैसे हो? ठीक है दीदी। और पहुंच गए लखनऊ आराम से? हाँ दीदी पहुंच गए, कल ही पहुंचे, रात 11 बजे। अच्छा, और सामान आ गया सब? दीदी सामान तो सारा आ गया है, लेकिन तब से सामान ही देखे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। क्यों, अजय जी ने क्या हेल्प करी है? जी हाँ, उनके बस का नहीं है। इन्होंने ना 2 महीने छुट्टी ली थी दीदी ऑफिस से शादी के लिए, और पूरे 2 महीने आप मानोगे नहीं, ये आदमी मुरादाबाद में ठलुआ था ठलुआ। मतलब सोता था, खाता था, हफ्ता था, और फिर सोएगा, फिर खाएगा, फिर हगेगा। इतना फ्री टाइम था ना इसके पास दीदी, लेकिन मजा लेने की एक कप चाय बना दे बीवी के लिए। नहीं अब क्या, अब तो इनके पास ऑफिस का बहाना है। चढ़ाई की है? बेंचो तुम्हारी आग कब जलेगी? और फैशन वाली चुम्मी? अरे यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, अभी तक किए नहीं तुम। गुड्डू भी यार अभी कुछ भी है। अरे गुड्डू को डालो गाण में यार, अपनी गुड्डी को संभालो। अरे इन मैरिज की हो लल्ला, ये लव मैरिज के रूल रेगुलेशन से अलग होता है। टीवी वाले इसमें सेक्स तो कर लेते हो सुहाग रात को ही, लेकिन जो प्यार है वो होता है जब आप पैशनेट वाली चुम्मी करते हो, समझे? किए कि नहीं? हाँ तो आप कहाँ किए? चला आप हमें ज्ञान दे रहे हो, खुद इस उम्र में कुंवारे बैठे और हमारे सामने बनते हो चुदाई सम्राट। हाँ बेटा, जो हम कुंवारे हैं ना बाई चॉइस हैं, ठीक है, और तुम्हारे जितने कितने आंटू झाटू होगी ना मैरिज लाइफ सेटल कर रखे हैं हम, पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ बता रहे हैं। समझो बात को, समझो, एक होता है स्मूच, नॉर्मल चुम्मी, नॉर्मल कपल करते हैं जो, और एक होता है बैंचट पैशनेट वाली चुम्मी, ठीक है, जिसके में मुंह के अंदर मुंह डाल देते हैं और मौका पाते ही काट लेते हैं। कुट्टू भैया यार, इन्नी नीचे हमारे लिए चाय बना रही हो और यहाँ पर हमारे चूतिया बना रहे हुए हैं। बॉस ने हमारी ऑफिस में गांड मारी हुई है। अरे तुम्हारा बॉस तुम्हारी गाड़ी मारेगा? ये है आजकल के कपल। अरे अबे ये देखो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हम बता रहे हैं, तुम चाय पीते रह जाओगे और मलाई जमकर हो जाएगी थर्माकोल। त्रिपाठी जी, कपल अब हमें आज्ञा दें, जो जो आपने सिखाया सब करेंगे। याद रखना वो पैशनेट वाली चुम्मी, मादर चोत शुक्ला भोसड़ी वाला फिर रख दिया बहन चोत। बड़ी देर लगा दिया आने में। गुड्डू भैया ज्ञान दे रहे हैं। आप सिगरेट पीकर आए हो क्या? अरे नहीं, गुड्डू भैया पिए थे हमारे पास तो इसलिए हम महक रहे होंगे। दूर रहा करिए ना, ऐसे पड़ोसी से ना दूर का सलाम ही सही है। यार वो थोड़े ऐसे ही हैं, बट अच्छी दोस्ती है हमारी, हमें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। और वैसे तुम काहे के लिए कपड़े बदल लिए? नहीं ऐसे ही, हमको आपके साथ अच्छे से कपड़े पहन के बैठना अच्छा लगता है। ये चाय ही तो हम दोनों की डेट है। ये भी ठीक है, अच्छी लग रही हो वैसे, कट स्लीव्स बढ़िया लगता है तुम पर, सूट में कंगना रनावत लगती हो एकदम। जानते हैं। मम्मी का कॉल आ रहा है। मम्मी जी चरण स्पर्श। जी दे रहो बेटा, हुआ है ऑफिस? थके थके से लग रहे हो। हाँ थोड़ी थकान तो है, पर मिनी ने हमारे लिए चाय बनाई है। अरे सूखी सूखी चाय पी रहे हो, नमकीन बिस्किट नहीं रखा है मिनी ने? जरा बात तो कराओ। हाँ लोग करो।
मम्मी जी, चरण स्पर्श। जीते रहो बेटा, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ये अभी ऑफिस से आए थे तो चाय पीने बैठे थे हम दोनों। बेटा, हमारे यहाँ खाली चाय नहीं रखते हैं। ये अजय तो बचपन से चाय पीता ही नहीं है बिना बिस्किट के, ध्यान रखा करो। अरे आज कट स्लीव्स पहना है? अरे नहीं, हो तो मम्मी जी ऐसे आज थोड़ा मूड कर गया था ऐसे। बेटा नई बहू हो, वहाँ अकेले रह रही हो, थोड़ा ध्यान रखो। कान में कुछ पहना है या नहीं? बिछिया पहनी है या नहीं? दिखाओ जरा फोन पर, पैर की तरफ करो। मम्मी जी सॉरी, आज पूरे दिन हम घर में ही थे ना, तो सोचे बिछिया निकाल दें। कल ट्रैवल कर रहे थे ना तो बहुत दुख रहा था, सोचे आज निकाल दें, कल फिर पहन लेंगे। हाँ, अब आजकल की लड़कियाँ कहाँ ये सब करती हैं। हम जब शादी करके आए थे तो हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बात नहीं माने। कोई नहीं, आजकल कहाँ कोई लड़की सुनती है। जरा अजय से बात कराओ। हाँ मम्मी, बोलो। बेटा एक दिन में ही कमजोर लग रहे हो, एक काम करो, खुद ही बिस्कुट ले आ। खाली चाय नहीं पीते, गैस बनती है नहीं तो। मम्मी खा लेंगे बिस्कुट। चलो आपसे करते हैं बाद में बात, ठीक है? अरे यार मिनी, क्या कर रही है? जवाब तो दो। ये क्या है? बिस्किट। अरे मिनी नहीं खाना है यार बिस्किट। ऐसे कैसे नहीं खाना? बिस्किट तो खाना पड़ेगा। नहीं खाना यार। मम्मी जी ने इतने प्यार से बोला, सूखी चाय ही पीता, बिस्किट तो खाना पड़ेगा ना। चटनी तो डालो इसमें यार। वाह वाह वाह, मतलब पहला एपिसोड खत्म कर लिया तुम लोगों ने, राइट? I just want you guys to like, share and subscribe to Bareilly Creative Company's channel and stay with us because आगे का जो कंटेंट है बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू।